देखिए थोटर बॉडी पूरी की पूरी क्लीन है एकदम सही, तो इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है आप कैस कीजिए इसमें क्या दिक्कत होगी। ना ये इसका टैप सेंसर ख़राब है ना कुछ ख़राब है, ये जो मैप सेंसर है ना आपका ये वाला, ये देखिए ये वाला जो मैप सेंसर है इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो इसको खोलेंगे अभी थोटर बॉडी को बढ़िया से, क्योंकि किसी ने लगी लगी गाड़ी में हल्का सा ये क्लीन कर दिया, तो कभी कभार होता है कि लगी गाड़ी में पूरा क्लीन नहीं हो पाता। तो ये देखिए इसका कैप जो है ना इसके अंदर ये दिख रहा है और ये दिख रहा है अपना, ये देखिए देख रहे ना यहाँ से कचरा दिख रहा है आपको इसके अंदर, तो ये पूरा खोल के ना हमें क्लीन करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं फिर आपको स्टार्ट करके गाड़ी दिखाते हैं इसके अंदर कि हमारी गाड़ी सेट हुई कि नहीं हुई है, वो प्रॉब्लम दिखाएंगे बंद हो रही है कि नहीं हो रही। तो चलिए गाइस पहले हम थोटर बॉडी अपनी क्लीन करते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे थोटर बॉडी के स्प्रे लेके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हमारे पास है ड्यूक 250, तो जिसके अंदर मिसिंग की क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर मिसिंग काफ़ी कर रही है गाड़ी। जैसे हम गाड़ी रेस देते हैं थोटर देते हैं ना, तो गाड़ी जैसे स्टार्ट करके मतलब स्लो में तो सेट हो जाती है, जैसे हल्की रेस दी और हमने एक्सलेटर छोड़ दी तो गाड़ी रहती है एकदम ठक करके बंद और बैक फायर मार रही है फट 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 करके। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर एग्जैक्टली। तो हमने उसकी थोटर बॉडी खोल रखी है भाई, ये देखिए हमने गाड़ी पूरी खोल रखी है ड्यूक 250। ये देखिए हमने खोलना चालू कर दिया इसको सेंसर को, सबसे पहले हम यही सेंसर खोलेंगे इसका जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये हमने इसका सेंसर खोले, देखिए कचरा जो है इसके अंदर कितना भरा हुआ है। ये आप सोच रहे हो इस कचरे से प्रॉब्लम नहीं होती, पर बहुत प्रॉब्लम होती है इस कचरे के अंदर से, तो इसको हमें खोल के साफ करना पड़ेगा। जो गाड़ी पूरी एकदम से ओके नहीं हो पा रही तो ये ओके हो जाएगी एकदम से, फिर कोई प्रॉब्लम इसके अंदर शायद इसकी इस चीज़ की नहीं आएगी जो ये हल्की हल्की मिसिंग मार रही है। देखिए देखिए गंदगी, वैसे तो हम पेट्रोल से भी साफ करते हैं पर इससे थोड़ा सा जल्दी बढ़िया बेहतरीन साफ रहता है। ये देखिए साफ हो गया ना ये, तो इसको ही साफ करके लगाएंगे, बाकी हल्का सा थोटर बॉडी का स्प्रे जो है, बाकी पूरी थोटर बॉडी तो क्लीन ही है इसकी, फिर भी टैप सेंसर भी खोल के एक बार साफ कर देते हैं इसका। ये देखिए टैप सेंसर है, तो ये भी खोल के साफ करेंगे इसका कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसे भी खोल के साफ कर ही देते हैं एक बार। तो इसे हम खोल लेते हैं फटाफट जल्दी से, तो इसे भी साफ करेंगे हम, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम तो इसकी है, पर ये भी हम खोल रहे हैं तो एक बार इसको भी खोल के चेक कर लें टैप सेंसर को भी, क्योंकि इसके अंदर दिक्कत हो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी गाड़ी की मिसिंग की, तो इसे आपको खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से हम स्प्रे मारते तो थोड़ी सी यहाँ पे बाहर से स्प्रे मारते तो यहाँ हल्की राहत मिल जाती, पर इसके अंदर कभी बार नहीं जाता। फिलहाल तो ये भी साफ लग रहा, पर इसके अंदर थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसे भी। यहाँ से गंदा था ये, बार बार से तो साफ था, अंदर तो करा ही नहीं होता। ये टैप सेंसर हमने बिल्कुल ही साफ कर दिया था, एकदम ओके हो चुका है अभी, तो फटाफट इसे लगाते हैं इसके अंदर, जो छोटी सी मिसिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी और हम लगा के फटाफट इसे पैक करते हैं। ओके तो चलिए इसे हम पैक करते हैं फटाफट। ये लगाएंगे इसका, ये भी लग गया, चलिए ऐसे पैक हो चुका है बिल्कुल ही।
तो हम इसको लगा देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। लगेगा तो ये ऐसी, इसकी टंकी रह गया, लास्ट का काम है हमारा टंकी का, बट टंकी लगा के उसके बाद स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बंद हो रही कि नहीं हो रही हमारी गाड़ी है। सिर्फ छोटा सा ही काम था इसके अंदर, तो ज़्यादा लंबा था नहीं, थ्रोटल बॉडी के अंदर कचरा था, जो थ्रोटल बॉडी के अंदर मैप सेंसर होता है और टैप सेंसर होता है इनको ढंग से साफ नहीं करा हुआ क्लीन, तो इसलिए मिसिंग की इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। लगा दिया तो चाबी लगा, चाबी लगा के बस स्टार्ट करते हैं इसको। जो लगती चाबी ऑन हो गया, किल स्विच ऑन है, गाड़ी देखिए कितनी स्टेबल हो गई है, बिल्कुल मोटर बॉडी साफ करी हमने इसके जो जितने भी सेंसर थे बस, क्योंकि बिल्कुल बंद हो रही थी गाड़ी, जैसे खड़ी है ना स्लो में बिल्कुल सेट की थी, झटके मार रही थी जैसे बैक फायर मार रही है। एकदम ओके रिपोर्ट हो गई है, तो चलिए पैक करके।